हेलो दोस्तों, यह 30 अगस्त का प्रीलिम्स फोकस न्यूज डिस्कशन देख लेते हैं। पहला न्यूज यहाँ पे एटॉमिक फ्यूल रिजर्व इन कजाकिस्तान टू इंश्योर सप्लाई। देखिए कजाकिस्तान का लोकेशन देख लीजिए, चारों तरफ से रशिया से घिरा हुआ है, कैस्पियन सी से डायरेक्टली कनेक्टेड है और अरल सी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में आता है। ठीक है, कुछ कुछ फैक्ट्स मैंने बता दिए आपको। नाउ ये दुनिया का पहला लो एनरिच्ड यूरेनियम बैंक खुला है ओश्केमेन में और ये प्रोजेक्ट जो चालू किया गया था ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी द्वारा 2010 में ही चालू किया गया था जो अभी फाइनलाइज हो चुका है। इसके तहत बोला जा रहा है दैट 90 टन ऑफ यूरेनियम बैंक होल्ड करेगा एंड विच इज इनफ टू पावर अ लार्ज रिएक्टर फॉर 3 ईयर्स, है ना। ये कुछ कुछ फैक्चुअल बातें दिए गए एंड टू इंश्योर ट्रांसपोर्ट द IAEA हैड साइंड एन एग्रीमेंट विद रशिया। रशिया के साथ एक एग्रीमेंट भी साइन किया गया जिससे क्या बाई चांस अगर इन लो इनरिच्ड यूरेनियम्स को अगर यहां से यूरोपियन कंट्रीज में ट्रांसफर करना पड़ा तो यू नो रशिया उसका रोड जिससे प्रोवाइड कर दे। ठीक है, एंड बैंक विल सर्व एज अ सोर्स ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फॉर लो इनरिच्ड यूरेनियम। ये तब मतलब जब कोई यूरेनियम खत्म हो जाएगा तब बैंक यू नो अपने बैंक से मतलब ये बैंक जो है लो यूरेनियम बैंक जो कजाकिस्तान में खुला हुआ है, कजाकिस्तान के ओश्केमेन रीजन में खुला हुआ है, वो फ्यूचर में फ्यूल सप्लाई कर सकता है। एंड इट इज सेड दैट इट विल डिसइंसेंटिवाइज द कंट्रीज फ्रॉम डेवलपिंग देयर ओन यूरेनियम इनरिच्ड कैपेसिटीज, है ना। अच्छा, और कुछ कुछ कंडीशन रखा है, मतलब आप ठीक है आप तो बैंक से ले सकते हो यूरेनियम बट किस सर्कमस्टांसेस में, एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में, जब क्या आपका पास ये सप्लाई जो है यूरेनियम फ्यूल का बिल्कुल डिसरप्ट हो जाए। और ध्यान दीजिएगा ये यूरेनियम फ्यूल आप सिर्फ एज अ फ्यूल यूज कर सकते हो, है ना, आप इसको वेपन के लिए इसको आप ले नहीं सकते हो। ठीक है, सो कुछ कुछ क्राइटेरियाज पहले से ही इन्होंने बना दिए हैं जिससे इसका मिसयूज ना हो। अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में देख लेते हैं। ये 1957 को सेटअप किया हुआ इंस्टीट्यूट है जिसका हेडक्वार्टर वियना जो कि ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, और ये एक यूरोप का कंट्री है। ठीक है, ध्यान देख लीजिएगा मैप में। नाउ अच्छा, ये एक ध्यान दीजिएगा, इट इज़ नॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस के डायरेक्ट कंट्रोल में ये नहीं है, इट्स ओन इंटरनेशनल ट्रीटी से ये बना हुआ है, दैट इज IAEA स्टैच्यू से ये बना हुआ है। ठीक है, एंड IAEA रिपोर्ट्स टू बोथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। दो यूनाइटेड नेशन का डायरेक्ट पार्ट नहीं है बट स्टिल ये रिपोर्ट जो करता है ना सीधा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को करता है। एंड द एम ऑफ इट इज टू प्रोमोट एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर energy and to inhibit its use for any military purpose including nuclear weapons and it works with member states and multiple partners worldwide to promote safe, secure and peaceful nuclear technologies. Now next news था दोस्तों, गोविंदो भोग राइस, इसको बंगाली में गोविंदो भोग कहते हैं, है ना। देखिए लिखा भी हुआ है गोविंदो भोग, है ना, बट आप हिंदी में गोविंद भोग बोल सकते हो, चलिए चलता है सब कुछ, है ना। तो इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस मिल गया है, ये पहले देख लेते हैं ये कहाँ का उपजाऊ किया जाता है। ये बर्दवान डिस्ट्रिक्ट जो बंगाल वेस्ट बंगाल में है वहाँ पर उपजाऊ किया जाता है। ये देखिए बर्दवान डिस्ट्रिक्ट, ये वेस्ट बंगाल है ना, ये वाला जगह जो ब्लैक में शेड किया हुआ है दैट इज बर्दवान डिस्ट्रिक्ट, है ना। तो राइस फ्रॉम अदर रीजन्स और राइस ऑफ अदर वेराइटीज कैन नॉट बी ब्रांडेड एज गोविंदो भोग। मतलब अभी तक क्या होता था ना दैट ये देखिए ये जो राइस वेराइटी है ना दूसरे जगह में भी इसी को उपजाऊ किया जाता था और उसको गोविंदो भोग बोलकर बेचा जाता था ज़्यादा पैसे में। ठीक है, बट अभी चूंकि इसको ज्योग्राफिकल टैग मिल गया है तो ज्योग्राफिकल टैग कुछ कुछ कंडीशंस होते हैं वो आप गूगलिंग करके पढ़ लीजिए अच्छे से। उसमें क्या होता है ना जैसे गोविंदो भोग जैसे राइस हुआ ना, इसको अगर बर्दवान में अगर उपजाया जाए तभी उसको गोविंद ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिलेगा, है ना। उसको अगर आप उठाकर दिल्ली में उगाओगे ना, सेम चीज अगर उगाओगे तब भी उसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग नहीं मिलेगा। ये सबका क्राइटेरिया होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का, मतलब जहां से प्लेस है वहीं से ये आना चाहिए तभी उसको टैग मिलेगा, समझ रहे बात को। तो इससे कहा जा रहा है दैट अभी तक गोविंदो भोग वाले जो उपजाऊ करते थे जो फार्मर्स उनको यू नो उतना पैसे नहीं मिलते थे बट अभी क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में आ गया तो यू नो इट विल स्ट्रेंथन देयर लोकल मार्केट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, क्योंकि ये सब इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। अब गोविंदो भोग के कुछ कुछ क्राइटेरिया दिए हुए हैं, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे ये शॉर्ट ग्रेन है विथ वाइट एरोमेटिक स्टिकी स्टिक्स हैविंग स्वीट बटरी फ्लेवर एंड इट इज कल्टिवेटेड लेट देयरफॉर नॉट मच अफेक्टेड बाई रेन, ज़्यादा रेन से अफेक्टेड नहीं होता है क्योंकि इसको लेट थोड़ा लेट कल्टिवेशन किया जाता है खरीफ सीजन में। ठीक है, क्योंकि इट इज खरीफ क्रॉप, ठीक है, एंड इट इज लेट प्रोन टू पेस्ट एज वेल, है ना, कीड़े मकोड़े से भी थोड़ा लेस प्रोन है।
नेक्स्ट इज नीति आयोग ने लॉन्च किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट. ये दोस्तों पहले एक्चुअली नीति आयोग एक कंडक्ट किया गया था सर्वे जिसको कहते हैं इंटरप्राइज सर्वे, ठीक है, जिसको जॉइंटली कंडक्ट किया गया था IDFC इंस्टीट्यूट के साथ. और इसके तहत 3,500 मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो क्या इंडिया के कोने कोने में फैले हुए हैं सबसे सर्वे लिया गया. समझ रहे बात को? इस सर्वे के आधार में हमने नीति आयोग ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट अपना इंडिया वाला निकाला है, ठीक है. अब देखिए ये इंडिया वाला क्यों निकाला है, क्योंकि अभी तक जो वर्ल्ड बैंक जो निकालता था ना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जिसमें इंडिया का रैंक 130 माना गया था पिछले साल, तो वो सिर्फ दो सिटीज के बेस में निकाला जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, दिल्ली और मुंबई, ठीक है. बट ये 3,500 मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो कि इंडिया के कोने कोने में है वहां सबसे लिया गया है सर्वे, ठीक है. उस सर्वे के आधार पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट लाया गया, ठीक है. तो इसी के तहत देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है. टू एक्सेस द बिजनेस रेगुलेशन एंड इनेबलिंग एनवायरमेंट अक्रॉस द इंडिया फ्रॉम फर्म्स पर्सपेक्टिव, इंडिया नीड्स टू क्रिएट अ एनवायरमेंट दैट फॉस्टर्स ग्लोबल कॉम्पिटेटिव फर्म्स कैपेबल ऑफ ड्राइविंग एंड सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा इस रिपोर्ट के द्वारा सजेस्ट किया गया, ठीक है. और अच्छा इस रिपोर्ट के मेजर फाइंडिंग्स देख लेते हैं. देखिए अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीज फाइंड किया गया, ठीक है. इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एंड रिफॉर्म के सेक्टर में देखा गया है दैट वैसे इंटरप्राइज जो कि हाई ग्रोथ स्टेट्स जैसे बड़े बड़े स्टेट्स जैसे आपका जाके आंध्र प्रदेश है ना, गुजरात है ना, ये सब बड़े बड़े स्टेट्स में अगर फर्म्स या फिर इंटरप्राइज है दे आर सिग्निफिकेंटली लेस लाइकली टू रिपोर्ट मेजर और सीवियर ऑब्स्टेकल्स, उनको ज्यादा ऑब्स्टेकल नहीं मिलता है, ठीक है. जो छोटे जगह में फर्म्स खुलते हैं उनको बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल मिलता है क्योंकि अप्रूवल लेना पड़ता है, लैंड अप्रूवल है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज से, ठीक है. तो ऐसा बड़े बड़े स्टेट्स में नहीं होता है ना. फर्म्स लोकेटेड इन हाई ग्रोथ स्टेट्स आल्सो रिपोर्ट 25% लेस पावर शॉर्टेज. पावर शॉर्टेज भी उन लोगों का काफी ज्यादा कम होता है क्योंकि अच्छे अच्छे स्टेट्स में जो ज्यादा पावर सप्लाई रहता ही है यार, है ना. नेक्स्ट इज इंप्रूवमेंट ओवर टाइम. कैसे इंप्रूव हुआ है दैट न्यूअर एंड यंगर फर्म्स जो आ रहे हैं उनको ज़्यादा फेवरेबल बिजनेस एनवायरनमेंट मिल रहा है और उन लोगों को देखा जा रहा है दैट उन बहुत कम टाइम उन लोगों को लग रहा है बाई फॉर ऑप्टेनिंग अप्रूवल्स क्योंकि सरकार ने इतने ज़्यादा यू नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिलेटेड इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चलाए हैं जिससे क्या नए एंटरप्रेन्योर्स या फिर नए कंपनीज जो खुल रही हैं उनको काफ़ी ज़्यादा कम प्रॉब्लम का सामना उठाना पड़ रहा है, ठीक है. इंफॉर्मेशनल गैप्स भी देखा जा रहा है क्योंकि लोअर अवेयरनेस अमंग द इंटरप्राइजेस अबाउट सिंगल विंडो सिस्टम है ना, सिंगल विंडो सिस्टम के बारे में बहुत लो इंफॉर्मेशन है लो फर्म्स के पास, ठीक है. लेबर रेगुलेशंस के सेक्टर में देखा गया तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो होते हैं दैट क्रिएट्स प्रोपोर्शनली मोर जॉब पर यूनिट कैपिटल इन्वेस्टमेंट फिर मोर कंस्ट्रेंड बाई लेबर रेगुलेटर रेगुलेशंस, मतलब लेबर रेगुलेशंस जो बड़े बड़े कंपनियां हैं वहां पर ऐसा बोला जा रहा है सर्वे के हिसाब से दैट उन लोग को कुछ ज्यादा ही लगता है दैट लेबर रेगुलेशंस है उनके सेक्टर में, ठीक है. तो ये कुछ कुछ फाइंडिंग्स है जो कि आप एज अ फोर्डर पॉइंट आप डायरेक्ट इंक्लूड कर सकते हो अपने मेंस के आंसर में, ठीक है. तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, एक बार फिर से पढ़ लेना अच्छे से दिमाग में घुस जाएगा, है ना. नेक्स्ट ये PIB का न्यूज था दोस्तों, हाइब्रिड क्लोन वैरायटी 205 ऑफ शुगर कैन के बारे में न्यूज था. अब ये कौन सा वैरायटी है वो देख लेते हैं. देखिए ये पहला हाइब्रिड क्लोन स्पेशीज ऑफ शुगर कैन है जिसको कहते हैं स्पेशीज 205, है ना. एंड इट वॉज डेवलप्ड फॉर सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड वॉज लॉन्च इन 1918 फॉर कमर्शियल फार्मिंग, मतलब 2018 को इसका 100 साल पूरा होने वाला है, इसलिए इट इज बिकमिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पेपर, राइट. अब वेराइटी 205 में आता है सचारम, ये नाम याद देख लो यार क्या अजीब टाइप के नाम है ना. और 100 साल ऑफ एक्सीलेंस इन शुगर केन रिसर्च हम कंडक्ट कर रहे हैं जिसके तहत वेराइटी 205 से 238 वेराइटीज़ को हम फिर से उसके बारे में स्टडी करेंगे. एंड द हाइब्रिड क्लोन लेड टू 50% इंक्रीज इन शुगर केन प्रोडक्शन, ऐसा मतलब PIB के न्यूज़ में लिखा हुआ था दैट वो हाइब्रिड वेराइटी लाने के बाद क्या क्या फ़ायदा हुआ था, है ना. तो नॉर्थ इंडिया में देखा गया था दैट शुगर केन प्रोडक्शन पहले जो कैपेसिटी अगर 100 क्विंटल होता था तो उसके इसको लगाने के बाद 150 क्विंटल होने लग गया, समझ रहे बात, 50% इंक्रीज कर गया. और पॉपुलर स्पेशीज जो इससे पहले एग्जिस्ट करते थे शुगर केन के जैसे सचारम बर्बेरी सचारम सिनेसिस वो लोग लेफ्ट बिहाइंड हो गए थे, मतलब उसको छोड़कर ये नए नए वैरायटीज़ जो है वो वैरायटीज़ ने पुराने वैरायटीज़ का जगह ले लिया था, है ना.
नेक्स्ट इज युवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्रोजेक्ट, युवा प्रोजेक्ट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये दिल्ली पुलिस के द्वारा एक इनिशिएटिव है अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसका इनॉग्रेशन किया है बेसिकली, तो उसी के बारे में न्यूज था, तो देख लेते क्या है। इट विल हेल्प इंप्रूव द इमेज ऑफ पुलिसिंग अमॉन्ग द कॉमन मैन। अच्छा, क्यों ऐसा बोला जा रहा है दैट पुलिस का इमेज ये क्यों बढ़ाएगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस के अंडर ही डायरेक्ट उसके उनके अंडर ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर खुलेंगे, ठीक है, और ये कहाँ को खुलेंगे, पुलिस स्टेशंस में, है ना। इससे क्या हो जाएगा, पहले मतलब अब डायरेक्ट जो युवा जो ट्रेनिंग लेने आते थे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत, वो लोग सीधा पुलिस स्टेशंस जाएंगे ट्रेनिंग लेने, ठीक है, मतलब उन लोग को भी एक सिक्योरिटी फील होगा, नहीं यार कहीं ना कहीं पुलिस भी हमारे साथ है, मतलब एक होता है ना यार मेंटल चीज होता है दैट कोई अगर आपको पनाह देता है आप उसके बारे में अच्छा सोचते हो, है ना। तो यही, क्योंकि पुलिस स्टेशंस में ये डेवलपमेंट सेंटर्स खुलेंगे तो कहीं ना कहीं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कनेक्शन पुलिस के साथ, ऐसा बोल रहा है दैट ज़्यादा बढ़ेगा, एंड पुलिस हैज़ अडॉप्टेड अ पीपल फ्रेंडली मेजर्स एंड इंक्रीज इन देयर सोशल इंटरेक्शन, जिससे उनका सोशल इंटरेक्शन भी बढ़े, एंड इट विल कनेक्ट विद द यूथ बाय अपग्रेडिंग देयर स्किल्स एज पर देयर कॉम्पिटेंसीज, और वैसे यूथ्स को बेसिकली इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत इनकॉर्पोरेट किया जाएगा जिनका एज 17 to 25 years ऑफ एज है, फॉर देयर ट्रेनिंग्स बिलोंगिंग टू कैटेगरीज सच एज स्कूल ड्रॉप आउट्स, जुवेनाइल ऑफेंडर्स, विक्टिम्स ऑफ क्राइम्स, ऐसे कैटेगरीज के स्टूडेंट्स को इसमें बेसिकली इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, ठीक है। पर इसका मतलब ऐसा नहीं है दैट इनको छोड़ के लोगों को इनकॉर्पोरेट नहीं किया जाएगा, नहीं, उनमें भी ध्यान दिया जाएगा, बट इन कैटेगरीज को भी थोड़ा ज्यादा ही हल्का फुल्का तवज्जो दिया जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट इज स्मार्ट एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव ऑन 30th and 31st of August 2017, ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है स्मार्ट एग्रीकल्चरल कॉन्क्लेव, ठीक है। इसके तहत एग्रीकल्चर को इंटीग्रेट किया जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और फार्म इकोसिस्टम के द्वारा, जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है, एलिगेशन आते हैं दैट यू नो सरकार एग्रीकल्चर सेक्टर में ध्यान नहीं दे रही है, तो वो सरकार ध्यान देगी, है ना। इस कॉन्क्लेव के तहत मतलब और भी अगर कुछ आस्पेक्ट देख लिया जाए तो वह क्या क्या लिखा हुआ है, मॉडर्नाइज ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्राई टू ब्रिंग एवरग्रीन रिवॉल्यूशन इन दिस एग्रीकल्चरल सेक्टर, है ना। और इसके तहत एक फार्मर जोन का निर्माण किया जाएगा। फार्मर जोन क्या है ना, ये क्लाउड बेस्ड सर्विस है, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरह काम करेगा। मतलब इसके तहत जितने भी सारे एग्रीकल्चरल डेटा है उसको सब हर काइंड ऑफ एग्रीकल्चरल डेटा, वो सॉइल हेल्थ कार्ड को लेकर ले लीजिए, जितने टाइप्स ऑफ सॉइल होना चाहिए, जितने क्लाइमेट्स है ना, क्लाइमेट फेवरेबल क्रॉप्स होना चाहिए, ठीक है, तो हर काइंड ऑफ एग्रीकल्चर डेटा को एक जगह कोलेक्ट किया जाएगा एंड दैट विल बी कंसीडर्ड एज क्लाउड सर्विस विच इज कॉल्ड एज फार्मर जोन। और इसके तहत क्या हो जाएगा ना, जितने भी सारे फार्मर के नीड्स हैं सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, एनी वेयर इन द वर्ल्ड, है ना, सब जगह के नीड्स को सर्व करेगा। और ये एक सिंगल मल्टीपर्पज विंडो रहेगा, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो फेस किए जाते हैं उनको उनके सॉल्यूशंस यहां पर पाए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है ना। इट विल फोकस ऑन स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, मार्जिनल लैंड होल्ड फार्मर्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय देम्स, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया को सेक्टर में अगर पर्सनली देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो फेस किया जाता है वो स्मॉल या फिर मार्जिनल लैंड होल्डर फार्मर्स के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशली कुछ ज़्यादा ही प्रोविजन, मतलब उनके आस्पेक्ट को ध्यान दिया जाएगा, ऐसा नहीं है दैट सब फार्मर्स के आस्पेक्ट को ध्यान नहीं दिया जाएगा, सबको ध्यान दिया जाएगा बट उनको थोड़ा ज़्यादा भाव मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते दोस्तों, ये है वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड जो कि नीति आयोग के द्वारा पिछले साल लॉन्च किया गया था और मांगा गया था डिफरेंट इनपुट्स, ठीक है, mygovernment.in में, ठीक है, तो डिफरेंट वुमेन्स ने अपना इनपुट डाला था और कहा था दैट डिफरेंट वुमेन ने कैसे कैसे सोसाइटी के लिए बेहतर के लिए काम किया है, तो जो वुमेन जिन्होंने फिनोमिनल वर्क किया सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी, वो इंडियन सिटीज ले लीजिए, टाउन ले लीजिए या विलेजेस ले लीजिए, तो उनको मोटिवेट करने के लिए एक अवार्ड दिया जा रहा है वुमेन्स को, ठीक है, तो बहुत सारे वुमेन्स को अवार्ड दिया गया, उनका नाम जान के कोई फायदा नहीं है। आगे देखते हैं दोस्तों, अल्ट्रा थिन कार्बन नैनो ट्यूब्स कैन सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। देखिए एक नैनो ट्यूब्स का निर्माण किया गया है जिसको कहा जाता है दैट ह्यूमन हेयर से 550,000 टाइम थिनर है ना, और उसको कहा जा रहा है वो क्योंकि निर्माण कर गया है तो वहां से जो सी वाटर से जो सॉल्ट है उसको बिल्कुल एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। मतलब अभी हम लोग को सॉल्ट का जो वाटर का जो क्राइसिस दिख रहा है वो कहीं ना कहीं वाटर
नेमिकल क्राइसिस छूट जाएगा, ठीक है, तो वही उसके बारे में कुछ कुछ फैक्ट्स लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज नॉर्थ कोरिया फायर्स मिसाइल ओवर जापान, जापान के ऊपर मिसाइल फायर कर दिया और यूनाइटेड काउंसिल ने काफी ज्यादा इसको कंडेम किया है, ठीक है, तो उन्होंने इसलिए फायर किया क्योंकि एक तो थर्ड यूएस के द्वारा थर्ड डिप्लॉयमेंट हुआ है, डिफरेंट मिलिट्री ड्रिल्स कैरी आउट किए जा रहे हैं नॉर्थ कोरिया के रीजन, रिसेंटली उल्ची फ्रीडम गार्जियन ज्वाइंट एक्सरसाइज कैरी आउट किया गया था, उसके बाद साथ ही साथ उनको डर है कहीं यूएस जैसे इराक को जैसे अपने कब्जे में कर लिया था वैसे हमें कब्जा में नहीं कर ले, ठीक है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया पूरा भयभीत हो गया है और यू नो ऐसे उठपटांग एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है। सो गाइस दिस वाज अबाउट द टुडेज न्यूज, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी गाइस, थैंक।